हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं दाल में तड़का किस तरह से लगाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग होते हैं कई तरीके से तड़का लगाते हैं, आज हम दूसरे तरह से बताने जा रहे हैं कि दाल में किस तरह से तड़का लगाया जाए। दोस्तों, जो हम दाल का तड़का लगाने के लिए बता रहे हैं, ये हमारी दाल है, इसको हमने पहले ही बना लिया था। इसमें हमने पहले ही टमाटर, धनिया का पत्ता ये डाल लिया था, डाल करके हमने दाल बना लिया है। अब इसमें हम इसको ठंडा हो गया तो इसको हम गर्म कर दे रहे हैं और ये हमने थोड़ा सा मिर्चा लिया है, दो लहसुन लिया है और सरसों लिया है, जिसे हम तड़का देंगे। ये देखिए, हमने करछुल लिया है, ये हम लोग इसमें दाल में तड़का लगाएंगे। इसमें हमारा गैस प्रेशर होता है, कढ़ाई रखेंगे तो कढ़ाई में ज़्यादा तेल भी लगता है और हमारे गैस में ज़्यादा देर तक उसमें उसको गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। हमारे कलछुल में देखिए जल्दी से गर्म भी हो जाता है, तो हम इसको गर्म कर दे रहे हैं। इधर हमारी दाल गर्म हो रही है, देख लीजिए। अब इसमें देखिए हमारी एक कलछुल गर्म हो चुका है, हम इसमें तेल डालेंगे थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है। इस तरह मुझे खांसी जुकाम हो गया, इसलिए गले में खराश बढ़ रही है, तो देख रहे हैं। यहाँ हमारी दाल भी गर्म हो चुकी है, देख सकते हैं आप, हमारी दाल भी गर्म हो चुकी है यहाँ पर। अब हम इसको बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अगर आपको हींग अच्छा लगता है तो हींग जरूर डालें पहले। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हींग डाल रहे हैं, डाल देंगे। ये हमने जो सरसों लिया था उसको धीमा कर देंगे। ये सरसों जो है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा आराम से, क्योंकि तड़कता बहुत ज़्यादा है। इसमें हम लहसुन डाल देंगे, लहसुन डाल दिया हमने। इसमें क्या है, जल्दी से हमारा दाल में तड़का लग जाता है और फिर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। राई डाल के, सरसों डाल करके तड़का करिए, मारिएगा तो दाल में बहुत ही टेस्टी होता है। मुझे तो ये सरसों वाली दाल, जो सरसों का तड़का पड़ता है दाल में, वो मुझे बहुत पसंद है। जीरा वाली दाल बहुत ही कम पसंद है मुझे, लेकिन बहुत लोगों से जीरे वाली दाल अच्छी लगती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको भी आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसमें हम चाहे तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास कड़ी पत्ता नहीं है, तो कड़ी पत्ता डालेंगे तो और भी इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब हमारे हो गया है से, और इसको हम देखिए फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।